कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीएस येदियुरप्पा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसके साथ ही कर्नाटक के खुफिया प्रमुख को भी बदल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमर पांडे नए एडीजीपी के प्रमुख होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सिविल जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में काले ब्राह्मण और ब्राह्मण कन्या को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछने का मामला गरमाया तो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने चेयरमैन भारत भूषण भारती को निलंबित कर दिया है ताकि मामला ठंडा पड़ सके। सरकार की ओर से कहा गया है कि मामले की जाँच पूरी होने तक भारत भूषण भारती निलंबित रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की तर्ज पर पीएम और सांसदों विधायकों पर भी यह लागू होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि पंचायती राज के प्रतिनिधि ही संविधान बचाएंगे। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देश में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ तूफान और धूल भरी आंधी आने की चेतावनी जारी की है। वहीं अरब सागर में बने हवा के दबाव के कारण चक्रवात आने की आशंका जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने गुजरात के सभी बंदरगाहों को चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की बैठक में बिना दस्तावेज अमेरिका में रह रहे प्रवासियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और समाचार कैमरों के सामने कहा कि देश की सीमाओं का उल्लंघन करने वाले लोग खतरनाक है। ट्रंप ने ऐसे प्रवासियों की तुलना जानवर से कर डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी की जबरदस्त आलोचना हो रही है। अपने सैनिकों पर हमला और प्रदर्शनकारियों द्वारा इमारतों को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद इसराइल ने गुरुवार को गाजा में हमास पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। सेना ने एक बयान में कहा कि इसराइल की सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास से जुड़े सभी चीजों को अपना लक्ष्य बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया। सांसद और बीजेपी से निलंबित नेता कीर्ति आजाद के छोटे बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए दरभंगा पहुंचे बीजेपी सांसद और बॉलीवुड के सिनेस्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान पर बीजेपी की चुटकी ली है। मीडिया ने जब कर्नाटक के मामले पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि खामोश, अभी कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जुगाड़ और दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कड़ा कदम उठाते हुए फोगाट बहनों गीता बबीता ऋतु और संगीता को एशियन गेम्स के लिए लगाए गए राष्ट्रीय शिविर से बाहर कर दिया है। रेसलिंग फेडरेशन के इस फैसले का असर यह होगा कि फोगाट बहनें अब आगामी एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगी। फोगाट बहनों पर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगा है। टीवी एक्टर अमित टंडन की मुसीबतें कम होती नजर आ रही हैं। एक खबर के मुताबिक अमित की पत्नी रूबी को जमानत मिल गई है। पिछले काफी समय से वह दुबई जेल में बंद थी। रिपोर्ट्स की माने तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने कथित तौर पर बताया है कि रूबी ने सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी। इसी आरोप के चलते उन्हें दुबई की अल रफा जेल में बंद किया गया था। ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से आज शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में आज सेंसेक्स 238 अंक यानी 0.67% गिरकर 35,139 पर और निफ्टी 58 अंक यानी 0.54% गिरकर 10,682 पर बंद हुआ।